यार देखो कितना ज्यादा सामान है। देखो इसमें भी कुछ सामान अभी पड़ा हुआ है। तो इसका थंबनेल हमने ले तो लिया है, लेकिन चलो बाहर भी एक आउटडोर थंबनेल ले लेते हैं। चलो 10 तारीख तक एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे अपने इवेंट। मैं यार नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि बस स्टैंड जा रहा हूँ। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और अभी गाइस सुबह के 11:30 बज रहे हैं, आज है 6 जुलाई और आपको ये ब्लॉग बहुत ही दिनों बाद मिल रहा है क्योंकि आपको तो पता ही है अमित भाई का एग्जाम चल रहा था और अभी भी 2 एग्जाम बचे हैं, है ना। काफी टाइम से मैंने जैसे कि लास्ट ब्लॉग में बोला था बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, उसी बीच में मेंशन की कुछ वीडियोस भी आई है। हाँ, तो एग्जाम के कारण वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है, फिर भी हमने वीडियो आपको दे दिया। अभी कल ही एक वीडियो गया था, वो आपने देख भी लिया होगा। और आज मैं गाइस एक अनबॉक्सिंग करनी है, ये वाली अनबॉक्सिंग, आज चलो इसे करते हैं, उसके बाद इसे भी कर देंगे 1-2 दिन में अपलोड, है ना। क्योंकि अनबॉक्सिंग आ गई तो चलो हमारी हेल्प हो गई। अनबॉक्सिंग कंटेंट बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, टाइम नहीं लगता है इसमें। तो आपको मेन चैनल पे एक और वीडियो मिल जाएगी और इस वीडियो को डालने के बाद मेरा एग्जाम वगैरह भी खत्म हो जाएगा। और एक और न्यूज है आप लोगों के लिए, यूट्यूब का जो इवेंट होने वाला है, देखो कन्फर्म नहीं है हम अभी तक जा रहे हैं नहीं जा रहे हमें, पर ऐसा अंदर से है कि हम जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम जो है वो 10 तारीख को खत्म हो रहा है और 13 तारीख को इवेंट है, हम अटेंड कर सकते हैं जाके। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा लग रहा है कि कैसे होगा क्या होगा। यहाँ से अच्छे खासे बड़े डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ से अच्छे खासे किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो हमें जाना पड़ेगा ट्रेन से। तो सारी चीजें आपको मिलेगी जैसे जैसे हमारा प्लान बनेगा। और कंफर्म मिल आने के बावजूद भी कंफर्म एड्रेस अभी तक हमें नहीं आया, उसमें भी टाइम लगेगा, तो वो भी थोड़ा सा सस्पेंस है कि अभी तक कंफर्म एड्रेस नहीं आया तो कैसे जाएंगे ये वो, ऐसे ही वो सब चीजें हो जाती है। बस एक कंफर्म एड्रेस आना बाकी है, वो जैसे ही आ जाता है हमें पता चल जाएगा और हम जाने के लिए भी कंफर्म हो जाएंगे। तो आपको टाइम के साथ अपडेट मिल जाएगा कि हमें जाना है या फिर नहीं जाना है। चलो आज के ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चलो हम लोग इसे अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइस हमारे वीडियो बन चुकी है और देखो कितना ज्यादा सामान है। इतना सामान नहीं आया था, हमने एक्स्ट्रा रखा है थंबनेल लेने के लिए। और बाय द वे आपको इतना सारा सामान भी मिल जाएगा उनकी साइट से, सारे तरह के। अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है, आप इसे अपलोड कल कर देंगे आराम से। देखो इसमें भी कुछ सामान अभी पड़ा हुआ है। तो चलो अब आप व्लॉग में कंटिन्यू बने रहो, देखते हैं आगे क्या क्या होता है इस व्लॉग में। इसका थंबनेल हमने ले तो लिया है, लेकिन चलो बाहर भी एक आउटडोर थंबनेल ले लेते हैं क्योंकि स्टूडियो में उतना अच्छा आ नहीं पा रहा, तो बाहर ले लेते हैं। तो गाइस अब 7:00 बजने वाले हैं, मैं कुछ देर पहले ही अभी ट्यूशन से आया था। आज का दिन तो गाइस यहीं पर खत्म होता है, हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं, सिर्फ अनबॉक्सिंग किया और कुछ करने के लिए था नहीं, तो और कुछ किया नहीं। अनबॉक्सिंग आपको कल मिल जाएगा बाय द वे, और आपसे कल मिलेंगे, अभी तक कुछ दिखाने के लिए है नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 11:00 बज रहे हैं और आज हमें क्या करना है आज के इस दिन में। देखो मैंने सुबह ही वीडियो को एडिट कर लिया है, दिव्यांश भाई का जो पार्सल आया था वो बॉक्स दिव्यांश भाई का आया था, बहुत सारा सामान था, काफी बड़ी वीडियो बनी है और उसको मैंने एडिट करके रख दिया है, पूरा डिटेल है, हमने उसका वीडियो बनाया था। अभी टाइम होगा तब हम मतलब अपलोड कर देंगे उसको, तब तक पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, कल एग्जाम है यार। देखो बीए के एग्जाम जो है वो उतने मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने पहले बिल्कुल भी पूरा साल नहीं पढ़ा है, किताब तक निकाल कर नहीं देखी है, मुझे पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। मतलब अभी तक जितने भी एग्जाम गए हैं ना, सारे काफी अच्छे गए, डिसेंट परफॉर्मेंस हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एग्जाम खराब गया, सारे एग्जाम अच्छे गए हैं। हिंदी के एग्जाम भी बहुत ज्यादा बढ़िया गया था, और अच्छी बात तो ये है कि जितना भी डेटा मैं लर्न करके जाता हूँ वो एग्जाम में आ जाता है। और पढ़ाई कब से शुरू किया था एग्जाम का? पढ़ाई हमने शुरू किया था जैसे कल एग्जाम है तो आज पढ़ते हैं, कल एग्जाम देकर आ जाते हैं, मतलब उतना टफ नहीं है, बीए का सिलेबस भी उतना टफ नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला होना चाहिए जो थोड़ा बहुत तो कम से कम पढ़ ले। मेरे साथ जो क्लासमेट जाते हैं ना बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, तो मुझे समझ आता है कि बीए के स्टूडेंट्स होते कैसे हैं, आखिर लोग बीए लेते क्यों हैं। मैंने भी इसलिए लिया था ताकि पढ़ाई का बोझ ना रहे, लेकिन भाई पढ़ना तो चाहिए ना, कम से कम एग्जाम क्रैक तो करो, आगे तो बढ़ो ग्रेजुएशन तक, मेरे को मतलब ग्रेजुएशन करना तो है ना। और गाइस एक एग्जाम में मतलब एक क्वेश्चन का 4-4 मतलब पेज लिखना पड़ता है। हाँ भाई, पेजेस लिखने पड़ते हैं, आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए लिखने के लिए, आपको कहानियां बनानी आनी चाहिए। हम क्या करते हैं जैसे हिस्ट्री के एग्जाम है, उसमें पूरा डेटा रीड कर लेते हैं कि ये मेन चीजें हैं, और उसकी कहानियां सुन लो बढ़िया से कि हुआ क्या था हिस्ट्री में, और उसके बाद कोई एक पॉइंट पे आपको 3 या 4 पेज बनाकर लिखना होगा, वो भी 3 घंटे के अंदर। और इसमें कोई चीटिंग करेगा भी कैसे, क्योंकि जब तक कोई लिख रहा है तो उसका चीटिंग करते करते वो पेज पलटा भी। अब देखो MCQ नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाले जिसमें मैंने बता दिया भाई 1 का B है 3 का C है, ठीक है, ऐसे तो होता नहीं है, 1 सेकंड में तो बता नहीं सकते, उसको पूरे 4 पेज देख कर लिखना है भाई, तो इतना देख ही नहीं पाएगा, पहली बार तक वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है तो वो 4 पेज लिखेगा क्यों, उसको आलस आने लगेगा, मतलब फेल होना उसका तय है अगर वो पढ़ के नहीं आया, थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक एग्जाम में मिनिमम में 10 पेज तो लिखने ही होंगे तभी पास होने के चांस है। सर आसान कुछ नहीं होता सर ने कहा है, और सर है आसान, आसान नहीं था ये कहना चाह रहे, आप लोग भी गलत समझ जाते हैं।
से कुछ तो लिखना ही पड़ेगा तभी पास हो सकते हैं। बस यही है भाई, देखो पढ़ना तो पड़ता ही है, फिर चाहे यूट्यूबर हो चाहे कुछ हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ लो कम से कम। इसलिए अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ हल्का फुल्का, थोड़ा अपने दोस्त से सजेशन लूंगा क्योंकि उसका एग्जाम हो चुका है कल। तो चलो 10 तारीख तक एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे अपने इवेंट में। 13 तारीख 13 ब्लॉग कल तक कंटिन्यू रहेगा। हाँ देखते हैं यार, पाए तो अगर आज इसका ब्लॉग एंड हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन कल हमें जाना पड़ेगा इससे, और मुझे इवेंट की शॉपिंग करनी है। तो हम लोग 12 को निकलेंगे, 13 को इवेंट है, तो अच्छा खासा दूरी पे है, ऐसा नहीं कि बहुत नजदीक में है, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। ट्रेन से जाने में 7-8 घंटे लगने वाले हैं। 7-8 घंटे लगेंगे। हम वहाँ पे रात को पहुँचेंगे या फिर रात वाली ट्रेन पकड़ेंगे तो दिन को पहुँचेंगे, तो वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा और देखते हैं क्या क्या हो पाता है। और इवेंट के अंदर तो अमृत भाई जा पाएंगे। मैं यार नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ, मतलब कोई बड़ा यूट्यूबर मिला तो मैं जान जाऊंगा, लेकिन ऐसे जो मेरी रेंज के यूट्यूबर है उनको तो मैं जानता नहीं हूँ किसी को। देखते हैं क्या होता है, आपस में दोस्ती कर लेंगे, अनजान है तो क्या हुआ, है तो सारे यूट्यूबर ही ना। और देखते हैं कोई अच्छा खासा बड़ा यूट्यूबर मिलता है या फिर नहीं। मजा ऐसा कुछ इवेंट में अभी तक लिखा नहीं हुआ है कि कोई बड़ा यूट्यूबर आने वाला है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बस आपस में जो आपके एरिया के यूट्यूबर्स हैं या फिर आपके यहाँ के यूट्यूबर्स हैं उनसे मिल सकते हैं। देखते हैं कोई ना कोई तो मिलेगा बड़ा यूट्यूबर, देखते हैं क्या होता है इवेंट में। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहो। तो गाइस अभी 2:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी बाहर आए हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, मेन चैनल कर रहे हैं। और अभी गाइस इसमें रिचार्ज कर रहे हैं, इस वाले फोन में इसका रिचार्ज खत्म हो चुका था, एयरटेल का सिम है गाइस, और आपको तो पता ही है रिचार्ज महंगा हो चुका है। पहले 300 था एक महीने वाला, मतलब कौन सा प्लान था 1.5 GB का है ना, और अब उसका 50 रुपए बढ़ गया। 2 GB मिलता था हमें 300 रुपए में। हाँ 300 में 2 GB मिलता था, लेकिन अब 350 गाइस हो चुका है। 350 यार बड़ा अमाउंट होता है, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ाए थे, इतना ज्यादा बढ़ा दिया, ये गलत किया। और जियो का भी सेम बढ़ चुका है, दोनों ने बढ़ा दिया एयरटेल और जियो ने, तो रिचार्ज करने में दिक्कत भी हो सकती है थोड़ी बहुत, है ना, क्योंकि 350 पूरे 50 रुपए बढ़ाए, अच्छी बात तो नहीं है। तो गाइस अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को एंड भी कर देते हैं। अमृत भाई की तो पढ़ाई जारी है, बीए का एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है, सब्जेक्ट कौन सा है? एनवायरमेंटल स्टडी है गाइस, उसी का एग्जाम होने वाला है, कल ही एग्जाम देने भी जाना पड़ेगा और हमें कल शॉपिंग करने भी जाना है ना। कल मजा है, कल मैं एक नया ब्लॉग शुरू करूंगा इसलिए शायद इस ब्लॉग को अभी एंड करने वाला है। और मेरा बस एक एग्जाम बचा हुआ है ये वाला करके, मतलब ये जो कल दे के आऊंगा उसका सिर्फ एक एग्जाम है, उसके बाद मजे ही मजे। चलो आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ अगर आप लोग को यहाँ तक अभी तक देख रहे हो। तो चलो मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।